day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. सो व्हाट्स गुड एवरीवन, टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी, बेहद खूबसूरत यामा आरएक्स 100, जिसको मॉडिफाई किया हुआ है बहुत ही अमेजिंग, हम कह सकते हैं क्रूजर टाइप की बाइक में, जिसमें टैंक लगा हुआ है ऑलमोस्ट सिमिलर टू 48। तो फटाफट से बाइक दिखाता हूँ, करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात, फिर मिलेंगे आपको मॉडिफायर से जिन्होंने इसको बनाया है। सो गाइस, ये है यामा आरएक्स 100 1996 मॉडल, जो कि दिखने में है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड दिस इज कम्प्लीटली मॉडिफाइड। और धीरे धीरे इसको कवर करना स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ों से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा सा टैंक, मतलब आर एक्स 100 का टैंक का शेप कुछ अलग टाइप का होता था, ये वाले टैंक का कुछ अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हार्ले की बाइक आती है, हार्ले डेविडसन 48 1200 cc, उस टाइप का कुछ टैंक यहाँ पे लगा हुआ है, जिस पर की गई है ग्राफिकिंग व्हाइट स्ट्राइप्स और यहाँ पे लिखा गया है 09। दूसरी वाली साइड में भी सेम व्हाइट स्ट्राइप्स और यहाँ पर लिखा गया है 09। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। यहाँ से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लगाया गया है गैस कैप, दिस इज ओरिजिनल। हैंडल बार यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हैंडल बार है, जिसमें यहाँ की साइड में ये थोड़े से स्विचेस लगाए गए हैं लाइट्स ऑन ऑफ के, इंडिकेटर्स के, हॉर्न का यहाँ पर लगाया गया है 2 मीटर, जो कि दोनों फुल्ली वर्किंग है। यहाँ पर आपको स्पीड दिखती है, यहाँ पे दिखता है आरपीएम, यहाँ पर थोड़े थोड़े से इंडिकेटर, न्यूट्रल, पासिंग और इंडिकेटर का, प्लस यहाँ पर लगाया गया है लॉक सेट एकदम ब्रांड न्यू। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की साइड में लगाए गए हैं बार एंड मिरर, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडी है, पूरा एकदम से मूव कर जाते हैं 180 डिग्री पे, तो इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ वाला भी, प्लस ये वाइड वाले, तो इनका व्यू काफी अच्छा खासा सा कवर कर सकते हैं अपन। उसके बाद अगर सामने दिखाऊं तो यहाँ पर लगाई है हेडलाइट, जिसके अंदर यहाँ पर है DRL और यहाँ पर लगे हुए प्रोजेक्टर्स। ये वाली लाइट आप मेरे पिछले काफी वीडियोज में देख चुके होंगे, बट अभी मैं इसको ऑन करके भी दिखा दूंगा। प्लस यहाँ पर लगे बहुत ही छोटे से, बहुत ही प्यारे से बुलेट टाइप के इंडिकेटर्स, एज यू कैन सी इतना छोटा इंडिकेटर है ये वाला। प्लस आगे वाला जो इसका पोर्शन है, ये थोड़ा सा स्मोक्ड है ब्लैक कलर में। आगे वाला टी पूरा सेम है, आगे वाला मडगार्ड एकदम स्टॉक है। रिम्स अगर मैं आपको बताऊं तो रिम्स यहाँ पर कंप्लीट चेंज है, बहुत ही ज्यादा प्यारे रिम्स लग रहे हैं, ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन के अंदर पतले से रिम्स है। टायर यहाँ पर स्टॉक रखा गया है, जो की ओरिजिनल साइज आती है यामा आर एक्स 100 की। पीछे अगर हम आए तो यहाँ पर इंजन एकदम सेम है, चेजिस एकदम सेम है। पीछे वाला रिम अगेन ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में, प्लस यहाँ पर ये जो टायर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, दिस इज 100 1918, ये आता है R15 का आगे वाला टायर। एग्जॉस्ट फिलहाल यहाँ पर चेंज नहीं है, स्टॉक है, विच इज प्योर साउंड, मतलब जो RX 100 का साउंड है एकदम वैसा ही साउंड ये निकालता है। पीछे वाला मडगार्ड एकदम स्टॉक क्रोम के अंदर में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटे से प्यारे से इंडिकेटर, यहाँ की साइड में बॉडी पैनल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं RX 100 की ब्रांडिंग, प्लस ये वाला जो मडगार्ड है ये क्रोम में है। और अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। As you can see, ये लग गई DRL, ये लग गया हैलोजन एंड ये लग गया इंडिकेटर।